बता दे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक वॉल्वो बस आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बस में सवार सभी लोगों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें से 1 दर्जन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे की सूचना पाकर एक्सप्रेस वे पर तैनात यूपीडा एम्बुलेंस घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद ले आई। रामपुरा से मैं गुड़गांव जा रहा था सर, आगरा एक्सप्रेस पे उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक में टक्कर मार दी बस ने सर। इसमें कितने लोग घायल हुए? इसमें 2 दर्जन से ऊपर लोग घायल हैं सर। कैसी हालत है उनकी? किसी की आंख में लगी, किसी के पैर में, किसी के कहीं भी ज़्यादा ही घायल है। हाईवे जो है अपना ये आगरा लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे, इस पर यूपीडा एम्बुलेंस से मरीज लेकर आई हैं। उन्होंने बताया है कि मटसेना थाना के अंतर्गत कहीं पर एक बस जा रही थी बिदुना से गुड़गांव के लिए, तो खड़े ट्रक में से टकरा गई है। उसमें हमारे यहाँ टोटल 19 लोग आए, उनमें से हमने 11 लोगों को रेफ़र किया है। 8 लोग अभी हमारे यहाँ भर्ती हैं, उनका हम उपचार कर रहे हैं और बाकी कोई कैजुअलिटी तो है नहीं। इसमें कितने लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है? इसमें 6-7 लोग हैं जिनको भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, कुछ को फ्रैक्चर हुए हैं, कुछ को हेड इंजरी है, कुछ के सीने में चोट ज़्यादा है, तो हमने उनको उपचार दे दिया है। उसके बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए भेज दिया है, जहाँ इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने सभी घायलों को प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर अस्पताल में भर्ती कर लिया है। डीजी महाजन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।